बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम मैं बगदाद शहर के अंदर मौजूद हूं जो इराक का कैपिटल सिटी है। तो यहां पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, वहां पर चलते हैं, आपको वहां की ज़री की ज़ियारत करवाते हैं। उससे पहले होटल के अंदर खाना लग चुका है तो खाना खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। आज ये मटन पका हुआ है और राइस है और सब्जी मैक्रोनी। तो यहाँ पर दो इमामों के रोज़े हैं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। यहाँ पर इस टाइम हम होटल से निकले हुए हैं बाहर। इस साइड पे इमामों के रोज़े हैं और ये हमारा होटल है। तो अब हम सीधा लेके रास्ता तो वहाँ पर चलते हैं। अगर अंदर हमें कैमरा लेके जाने की इजाज़त मिली तो अंदर का व्यू भी आपको सही तरीके से दिखाएँगे, वरना बाहर का व्यू दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर बाहर से, और इंशाल्लाह अंदर की कोई पिक्चर वगैरह होगी वो भी आपको दिखाएँगे, तो इंशाल्लाह हिस्ट्री भी आपको बताएँगे। हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अच्छा, ये दोनों तरफ ये एक छोटा सा चौक है और मार्केट है साइडों पे, और सामने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। बहुत ज़्यादा लोगों की ज़ायरीन की तादाद आई हुई है यहाँ पर माशाल्लाह से। अच्छा जी, माशाल्लाह से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा बिल्कुल मेरे सामने है। अस्सलाम वालेकुम। और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी बिल्कुल यहीं पर है। ये जी माशाल्लाह से यहाँ पर खूबसूरत सी टाइल भी लगी हुई है नीचे ज़मीन के ऊपर। अगर आप भी ज़ियारात पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रैवल कंपनी का फ़ोन नंबर मौजूद है, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो मिल रही है और उसके बाद ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहां पर आई हुई है। सामने रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं, दुआ दीजिएगा मुझे। मौलाना साहब के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये भी माशाल्लाह ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। इनका ताल्लुक इंडिया से है। इंडिया के कौन से शहर से सर जी? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से, इंडिया के मुजफ्फरनगर से इनका ताल्लुक है। 7 साल से मौलाना साहब यहाँ पर हैं और ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलाई जाती हैं ज़ायरीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके आने के लिए। अच्छा जी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर पहुँच चुके हैं। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइस हैं वो यहीं पर जमा करवा दी जाती हैं, उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन डिवाइस वगैरह जमा करवाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं पहले। ये रोज़ा नवासा रसूल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का है। आपकी वालदा का नाम बीबी हमीदा खातून और आपके वालिद का नाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इल्म का दर्स दिया करते थे, जिनके शागिर्दों में जाबिर बिन हयान, इमाम आज़म अबू हनीफा भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। तारीख ने लिखा कि सल्तनत दुनियादार संभालते रहे, लेकिन दीन को संभालना आले मोहम्मद ने अपना मकसद बना लिया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत 7 सफ़र 128 हिजरी को हुई। ये वो मजलूम इमाम है जिसे मुख्तलिफ बादशाहों ने कैद खाने में रखा कि लोग आपकी इज्जत क्यों करते हैं, लोग औलाद अली से मोहब्बत क्यों करते हैं, औलाद फातिमा से क्यों मोहब्बत करते हैं। वक्त का ऐसा जालिम बादशाह भी आया जिसका नाम हारून रशीद था। हारून रशीद ने आपको बगदाद के ऐसे कैद खाने में 14 साल रखा जहाँ पर आप ना सो सकते थे ना खड़े हो सकते थे। आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया। आपको ऐसा जहर दिया गया, अगर पाँव की बेड़ियाँ और हाथों की जंजीरें अलग की जातीं तो आपकी हड्डियाँ भी अलग हो जातीं, इसीलिए आपको जंजीरों के साथ तदफीन कर दिया गया। इसी मकाम पर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी, जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पोते और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपकी वालदा का नाम जनाब खिज़रा था। आपकी पैदाइश 10 रजब 195 हिजरी को हुई। आप बहुत ही ज़्यादा सखी थे जिसकी वजह से आपको तकी और जवाद के लकब से नवाजा गया। आपको वक्त के जालिम बादशाह मुतसन बिल्ले ने जहर देकर शहीद कर दिया। यहाँ पर जी मोबाइल वगैरह जमा किए जाते हैं, ये मोबाइल जमा करवाया हमने, नाम लिखा जाता है यहाँ पर और फिर मोबाइल वगैरह जमा होगा। मेहरबानी, शुक्रिया।
अच्छा जी, ये है किबला गेट, किबला रुख गेट है। इसी तरह के तीन और गेट है जो ओपन है, कुल मिला के चार गेट है। तो आप यहाँ से दाखिल होंगे, जरी के अंदर जब ज़ियारत करेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे कि कौन से गेट से आए हैं। तो गेट याद रखिएगा जब भी आप आएँ। ऊपर लगी हुई घड़ी हर घंटे के बाद बैल बजाती है कितना टाइम हो चुका होता है। आप इस गेट पे थे और पीछे मार्केट का आपने व्यू देखा, हिस्ट्री भी आपको थोड़ी सी मालूम हुई। तो अभी दूसरे गेट पे चलते हैं और वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या मना। अच्छा जी, एक और गेट के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो इस गेट के ऊपर देखिए ज़ायरीन की कितनी बड़ी तादाद आई है। इराकी लोग करबला की मंजर कशी पेश करते हैं। इराकी लोग जंग के तबल भी बजाते हैं और गमे हुसैन भी मनाते हैं। रोशन की जा रही है। इस गेट से हम दाखिल हुए थे, उसी गेट से अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और बहुत कुछ यहाँ पर भी शमा रोशन की जा रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में। उन्होंने मुझे भी दी है, इन्होंने कहा कि आप भी ये शमा जला लें। यहाँ के लोग अच्छे हैं लेकिन हालात कुछ इस अंदाज के हैं, दहशतगर्दी का ख़तरा रहता है, तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। आपको बगदाद इनके कैपिटल सिटी के अंदर तो और ही ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी नज़र आती है। वैसे तो पूरे इराक़ के अंदर आपको जगह जगह पर चेक पोस्टें और बहुत कुछ मतलब ऐसे देखने को मिलता है कि जिससे लगता है कि यार यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है, लेकिन बगदाद के अंदर उससे भी ज़्यादा। जी यहाँ पर शीशा वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये देखें शीशा यहाँ पर बिक भी रहा है, हुक्का शीशा। ये देखो इस तरह का एक बहुत बड़ा चौक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और चौक के पीछे आपको एक चेक पोस्ट नज़र आती है। फिर आप इमाम हुसैन अपना इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तीन चार दफ़ा आपकी चेकिंग होगी फिर आप दाखिल होंगे। इस तरह की रेहड़ियाँ भी आपको मिलती हैं जिनके ऊपर आप बैठ कर सफ़र कर सकते हैं, या सामान वगैरह अपना एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। आगे इसके अंदर हम पहुंच गए हैं और होटल के अंदर चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको होटल $20 से लेकर $80 की रेंज के अंदर मिल जाते हैं। वन बेडरूम हाउ मच प्राइस? वन बेडरूम हाँ नाउ यस प्राइस प्राइस वन नाउ $20 वन नाइट अच्छा एक रात के जी $20 आपको दिए जाएंगे। वन बेडरूम ओके। तो बहरहाल होटल माशाल्लाह से बहुत अच्छे है, $20 के अंदर आपको मेरे मुताबिक इससे अच्छा होटल और कहीं नहीं मिलेगा। $20 के अंदर आपको इस तरह का होटल मिल जाए, मैं कहता हूँ जी कमाल है। और उसके साथ साथ ये सीजन के ऊपर भी होता है, जब सीजन ज्यादा होगा तो उस वक्त थोड़े से पैसे भी ज्यादा लिए जाते हैं, वरना जो है ना $20 $30 $40 हद उसके अंदर आपको एक खूबसूरत सा होटल मिल जाता है। और ये होटल बाकी में बहुत कमाल का है, जहाँ पे हमने अपने सारे ज़ायरीन को रिहाइश दे दी है। ये है जी हमारा होटल जिसका रूम है, ये 4 बेड है, आप 1 बेड वाला $20 के अंदर ले सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, सामने LCD आपको देखने को मिलती है, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी फ्रिज भी है जिसके अंदर आप पानी कोल्ड ड्रिंक वो हमारे काफले वाले वो हम खुद ही देते हैं ज़ायरीन को। तो यहाँ पर लस्सी भी पड़ी है और आपको पानी भी मिलता है, तो प्यास बड़ी लगी है पानी पी लेते। पानी इस तरह का होता है यहाँ पर इराक के अंदर, ये देख रहे हैं। वीडियो भी यहीं पर एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें मुझे बहुत सारा प्यार और याद रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।